मुल्ला के आए वाई फर इतनी रात में कहाँ से उठा लिया है? दुकान से की अरे अब उठाई नहीं वाली चीजें पता ही नहीं जाती। अच्छा देखो इनको वाई फर आ गो और धोबर बोछन भी लगो तो भी बुझिए काम है धूप पहुँच रहे जी। तो यही को हमें तो इंतजार यही खजिल ले आई कितने साल बाद लिया है? एक साल से हम वैसे काम चला रहे थे का लेकिन अब अभी वो सही है मन नहीं मान रहे तू। अरे यार टांगन वालू मंगाने तो टांगन वालू है नहीं है टंग जाए हाँ। लेकिन जो प्लास्टिक वो है टूट नहीं या फिर से वही बार या सब जो लोहे को है तो जब लोहे वालू था तो गल जो नहीं गल है मुंह बना सका छू नहीं सही सही बात बता जा अनमोल तो अपने पिताजी से कहो मुंह बना सका छू नहीं तो बात बता जा हमें तो अनमोल ने नहा लो और अबे फिर से बाहर हार धो दो हमने अच्छे से घिस दो फिर पानी लगाने तो अब अभी खिलाने मुझे है और अच्छी खासी ठंडी लग रही सवेरे की टाइम लेकिन अब काम अच्छो खासो फैलो तो ठंडी अंडी छोड़ छाड़ के पहले धोला बाहर और आधी आधी रोड धो दे पूरा बहुत अच्छो साफ होगा बाहर और चबूतरा भी पूरे उससे घिस दे गैलरी भी पूरे उससे घिस दे और गेट मेन गेट जो है लोहे के पूरे ऊपर जाली तक अनमोला भी के पापा कुर्सी में चढ़ा दो तो फिर उतर पूरे बेबी धो दे और फिर बस वाईफर कर दो तो जो जो नया वाईफर आ वो सही नहीं है तू का देख रहे चेंज करवाने बिल्कुल भी नहीं सूख रहा नहीं तो वाईफर फेरा था और सूखा चल हुआ था। बहुत सारे मसाले रखे अत खुले और कछु खाली हो गए पैकेट पैक है तो भर रहे दे रहे हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी बची तो हल्दी भर रहे दे रहे पिसी धनिया भी थोड़ी सी बची ऊखा भी भरने बेसन भी कम है तो बेसन को पैकेट एक और आ गो तो हम सोच रहे हैं जो टीन खाली हो ना तो वही में ये फुट करवा ली सामान रख दें और हल्दी को पैकेट पूरा बन गई डिब्बा में धनिया बची है तो वैसे जब अपन लोग का कोई चीज़ भरने है तो पूरे परफेक्ट साइज हो डिब्बे को तो बहुत सही रहता नहीं तो फिर सामान लगाने आते तो ऐसे होता है लेकिन बच जाए तो फिर संभाल के भी रखने आ तो ये टीन में जो सामान भर रहे फुट कर रख दें और कस्तूरी मेथी भी अब भरने नमक को पैकेट भी अब निकालने तो वो भी भरने बेसन को पैकेट आओ तो वो मोनिया में थे कड़ी चावल बनत ना तो यही से हमने मंगा लो पर्चा में लिख दो बहुत दिन से सोच रहे थे मंगाएंगे लेकिन हमने अब तो सोचे साची बंद करके सीधे मंगाए अब नहीं सुनो तो हमने फिर तुरंत मंगाई लिखाई दो तो पर्चा में तो आ भी गो और बस काम करत करत चाय पिया को मन हो गए तो अनमोला भी के पापा की और अपने बस बताए अब ठंडी आ गई तो अब ऐसे हुई है और बिस्किट सुबह की खुली रखी तो पूछ लिया कोई का खान हो और नाग देवता आ गए तो नाग देवता के दर्शन कर लूँ और बस ये फुटकर जितने सामान रखे सब भर दे रहे और बस लक्ष्मण जी का खींची थी जब कैसे सामान रखने से और जो टीनी ने जो सिले पहले सबका साफ करी इनमें सब में फिर लक्ष्मण जी का खींचे तो जैसे कि चीटी मारी यारी डली रहती तो फिर भी
कचरा जैसी लगन लगती, ज़्यादा खट्टी हो जाती। और अब इस चादर वगैरह धोई थी तो इतनी इतनी चीटी हैं, तो फिर हम उठाई के नहीं ले आए थे, तेल लगा कर छतई में रखे आए थे। और जो आलू टीन है जो सबसे पहले यही आओ, तो पहले टंकी में आटा नहीं भरते, पहले यही में आटा भरते, फिर टंकी में जैसे बच्चे बड़े हुए तो टंकी में आटा सही है। और ये को कुंदा टूट गए जहाँ लॉक लगाने आप, तो अभी इनके पापा से पूछे अगर टाँक लग जाए वेल्डिंग से तो फिर लगवा लें, नहीं तो है तो ज़्यादा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। और तो लेकिन अब डर फिर रहा हूँ मैं लगाऊँ तो हम सोच रहे टाँक लगवा ही ले हैं। दुकान के पाउच ख़त्म हो गए तो पाउच बना दे रहे हो, और अपने तय पे वे वैसे वाले पाउच आते ना बे वाले नहीं बेकत, ऐसे घर के बने पाउच बेकत। हमने पहले कोशिश करी कि बे वाले रख ले, लेकिन सब खजई वाले सही लगा। और बस दूध को टाइम हो तो दूध गर्म कर लो, सब्जी रखी थी तो सब्जी भी पलट ले रहे थोड़ी सी है, सुबह पलट नहीं पाए थे, ध्यान ही नहीं रही थी। और बस पत्ता गोभी और हरी मिर्ची आई तो अभी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके पापा ले आए थे तो अभी का फ्रिज में रख दें। और अभी को काम तो चला ही है, कैसे सब्जी रखी है, थोड़ी सी रोटी बनाने और थोड़ी चाय बच गई थी तो फिर गर्म करके पिए ले रहे। पत्तों को भी बीच बीच में बाई चांस कीड़ा निकल लिया तो बहुत देख सुन के काटने आते। फूल गोभी में भी अब ऐसे मतलब पहली चाय जैसे भी हों कीड़ा नहीं निकलती, अब तो चाय जितनी ताज़ी हों चाहे जैसे हों बीच बीच में कीड़ा भी निकल लिया था। अभी सो गए हम अनमोल, अभी के पापा जग रहे थे तो 12 बजे को टाइम है, वे कह रहे कि नहीं है चाय पीने का, हम नहीं रहने, तो कह रहे चलो बना के ले आ रहे, तो हमें हाथ में टीवी लगाना थे तो अभी हम काम करके निपटे, तो वे कह रहे अब चाय पी लो फिर उसके बाद अनमोल से लगवा लो, नहीं तो हम लगाते हैं कैसे हाथ में निशान पड़ेगा बहुत।